मणिपुर में आज राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा सत्र, क्योंकि समुदाय के 10 विधायकों ने सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होने का ऐलान किया। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने देखी पिछली सुनवाई के आदेश की कॉपी, 12 सितंबर को अगली हियरिंग। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर पटाखा विस्फोट मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई, एनआईए जांच की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका। बंगाल राज्य दिवस पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सीपीआईएम ने बैठक का किया बहिष्कार, कांग्रेस के शामिल होने को लेकर बना सस्पेंस। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा बीजेपी दिसंबर में करा सकती है लोकसभा चुनाव, चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर्स बीजेपी ने बुक कर दिए हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा राज्य के पास जनगणना का अधिकार नहीं। हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दिल्ली में दर्ज हुई उनके खिलाफ शिकायत। 31 अगस्त को जारी होगा इंडिया गठबंधन का लोगो, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दी जानकारी। पीएम मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई, G20 समिट को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की। आज 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई, पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने का आरोप। अरविंद केजरीवाल के भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप। मुस्लिम मर्दों को तलाक का एक अधिकार की परंपरा के खिलाफ सुनवाई आज, तलाक पीड़ितों ने याचिका डालकर लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार। आज डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दौसा में महिला डॉक्टर सुसाइड केस के बाद दाखिल हुई थी याचिका। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बहनों को तोहफा, 30 अगस्त को यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने वापस लिया भ्रष्टाचार का केस, शिकायत वापस लेने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए रेल मंत्रालय की सौगात, अब अयोध्या तक जाएगी तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन। मदुरई ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी कार्रवाई, टूर ऑपरेटर सहित 5 लोग गिरफ्तार किए गए, हादसे में 9 लोगों की हुई थी मौत। आज घोसी दौरे पर अखिलेश यादव, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। इंडोनेशिया के बाली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रेक्टर स्केल पर 7 मापी गई तीव्रता, इंडोनेशिया के मात्रम में था भूकंप का केंद्र। तकनीकी खराबी की वजह से ब्रिटेन में विमान सेवा ठप, पूरे देश में फ्लाइट्स पर रोक, हजारों यात्रियों को हुई परेशानी, फिलहाल ठीक है प्रणाली। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने देश के स्कूल्स में अबाया और खामिस पर बैन लगाया, नए शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा नया कानून। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान, कहा रूस शांति चाहता है पर यूक्रेन को इसमें दिलचस्पी नहीं है। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की किस्मत का आज फैसला होगा, सजा पर रोक याचिका पर आज होगी सुनवाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नहीं थम रही मुश्किलें, चुनाव में धांधली से जुड़े केस में ट्रंप के खिलाफ 4 मार्च को सुनवाई। एशिया कप के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी टीम इंडिया, पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को होगा पहला मुकाबला। Z News.